उत्तर प्रदेश के संभल जा रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गाजीपुर बॉर्डर पर रोक लिया गया है। संभल हिंसा के पीड़ितों से बुधवार को मुलाकात करने जा रहे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को जनपद में निषेधाज्ञा लागू होने का हवाला देते हुए दिल्ली गाजीपुर सीमा पर रोक लिया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर लगाए गए भारी अवरोधकों को तोड़कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के वहां एकत्र होने से ट्रैफिक जाम हो गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगा दिए और वाहनों की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाने वाले मार्ग पर भारी भीड़ होने के कारण यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुलिस द्वारा निषेधाज्ञा का हवाला देते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को यहां गाजीपुर सीमा पर रोक दिए जाने पर कांग्रेस की युवा शाखा के सदस्यों ने नारेबाजी की और पार्टी के झंडे लहराए। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच लंबी बहस के बाद भी बात नहीं बनने पर राहुल करीब 2 घंटे बाद दिल्ली लौट गए। राहुल के काफिले को रोके जाने से मार्ग के दोनों तरफ काफी लंबा रास्ता जाम हो गया और राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच बहस और गहमागहमी भी देखने को मिली। इसी बीच यात्रियों ने आज सुबह गाजीपुर सीमा पर लोकसभा नेता राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और यात्रियों के बीच हाथापाई भी हुई। संभल जाने के लिए अड़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं और उन्हें आगे नहीं बढ़ने देने पर अड़े पुलिसकर्मियों के बीच काफी देर तक बहस हुई। इसी बीच राहुल और प्रियंका ने संवाददाताओं को संबोधित किया। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यातायात को नियंत्रित करने के लिए सीमा पर पुलिस बल तैनात किया गया है और रूट डायवर्ट किया जा रहा है। करीब आधे घंटे तक जाम में फंसे नोएडा निवासी आशीष सक्सेना ने पीटीआई भाषा से कहा, मैं रेलवे स्टेशन से लौट रहा था और इस जाम में फंस गया। अगर मुझे इस बारे में पता होता तो मैं घर जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाता। सहायक पुलिस आयुक्त स्वतंत्र कुमार सिंह ने पीटीआई भाषा को बताया कि हमें हाईवे पर लोगों को एकत्र होने की सूचना मिली है और हमने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है। वहीं गाजीपुर सीमा पर पुलिस द्वारा रोके गए राहुल ने संवाददाताओं से कहा, हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं मगर पुलिस मना कर रही है। लोकसभा में नेता विपक्ष के नाते मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वहां मुझे रोका जा रहा है। ये लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के मेरे अधिकार के खिलाफ है। कांग्रेस नेता ने कहा, मैंने कहा कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने ये वह भी बात नहीं मानी और अब कह रहे हैं कि कुछ दिन बाद वे हमें जाने देंगे। राहुल ने संविधान के प्रति दिखाते हुए कहा, यह लोकतंत्र के खिलाफ है। हम संभल जाकर देखना चाहते हैं कि वहां क्या हुआ है। हम लोगों से मिलना चाहते हैं लेकिन मेरा जो संवैधानिक अधिकार है मुझे उससे वंचित किया जा रहा है। ये संविधान को खत्म करने वाला हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के संविधान को खत्म करने वाला हिंदुस्तान है, मगर हम लड़ते रहेंगे। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज़।